नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 3 जून 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव प्रारंभ हुआ है? इन विच स्टेट वाज द नेशनल रामायण फेस्टिवल स्टार्टेड? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया और मध्य प्रदेश में है कूनो नेशनल पार्क जहां पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। केरल की बात करें, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया और केरल की सरकार ने स्नेकपीडिया ऐप इसको भी स्टार्ट किया। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया और राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया और राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको स्टार्ट किया। बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये रहा छत्तीसगढ़ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों की घोषणा की थी, अब इनको बना दिया गया है। मेहतारी दुलार योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसको भी छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया था। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये बना देश का 53वां टाइगर रिजर्व और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल मातृत्व योजना को स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ सरकार के निजात अभियान को ICAP 2022 पुरस्कार मिला। खबरों में रहा कंगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया था। मई 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया था। छत्तीसगढ़ ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड को गठित किया था। अब लोकेशन देखिए आप छत्तीसगढ़ की, ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। रायपुर कैपिटल है, 1 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। 33 जिले हैं, लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। बिलासपुर में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश सिन्हा, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क और सेंचुरी की बात करें, अचानक कमर वाइल्ड सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क दोनों ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ग्लोबल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व्ड? तो ये 1 जून को मनाया जाता है, सी ऑप्शन 1 जून। 2nd क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें अगर हम 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये मनाया जाता है और 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस ये मनाया गया। 1 जून को विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे दोनों दिवस एक ही दिन मनाए गए। 20 मई 2023 को विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे ये मनाया गया, सी ऑप्शन 1 जून। 2nd क्वेश्चन का सही आंसर है। 3rd क्वेश्चन, किसे मणिपुर का DGP नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव सिंह को मणिपुर का DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है, ए ऑप्शन। ये 3rd क्वेश्चन का सही आंसर है। 4th क्वेश्चन, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द तेलंगाना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व्ड? तो याद रखेगा ये 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, तो सी ऑप्शन 2 जून। ये 4th क्वेश्चन का सही आंसर है और ये आंध्र प्रदेश से अलग बना था। 5th क्वेश्चन, भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? ये किया गया मेघालय राज्य में, यानी डी ऑप्शन मेघालय 5th क्वेश्चन का सही आंसर है। मेघालय में 3 हिल्स हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ये तीनों हिल्स आप याद रखेगा, ये मेघालय राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है? विच प्लेस हैज बीन अनाउंस्ड
बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू चेंज इट्स नेम टू अहिल्या देवी नगर? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अहमदनगर, बी ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार द्वारा अहमदनगर स्थान का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है, तो बी ऑप्शन सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट है, ये पहले लोकेशन देखिए आप, ये लोकेशन है महाराष्ट्र की गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इन राज्यों के साथ महाराष्ट्र अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अभी ध्यान से देखिए आप, ये सभी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये टोटल मिलाकर ना ये 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जाम में, इनमें से सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सा राज्य है जो समुद्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो ध्यान से देखिए आप, गुजरात एक ऐसा राज्य है जो समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा जो अपनी बाउंड्री है ये शेयर करता है, क्योंकि क्वेश्चन एक एक पॉइंट से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की बाउंड्री कितने राज्यों से लगती है? ध्यान से देखिए, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, टोटल मिलाकर 5 राज्य हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है महाराष्ट्र की। मुंबई कैपिटल है, 1 मई 1960 में महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई थी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और रमेश बाईस ये राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसके हाई कोर्ट है जहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD, ये क्या है, ये है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के नितिन मधुकर जामदर। 36 जिले हैं लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। लेक की बात करते हैं, लोनार लेक, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, वीना लेक, दोनों लेक महाराष्ट्र में हैं। डैम की बात करते हैं, कोयना डैम, ये कोयना रिवर के ऊपर है जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम भीमा रिवर के ऊपर है इसलिए इसे भीमा डैम कहा जाता है। और जेकवाड़ी डैम। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, गोगुमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नबेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। तो ये बात करी हमने महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। 7th क्वेश्चन, अश्विनी कुमार किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी कुमार को यूको बैंक का MD और CEO ये अपॉइंट किया गया है। याद रखेगा, अश्विनी कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? तो आंसर क्या हो जाएगा, यूको बैंक, यानी ए ऑप्शन जो है यूको बैंक, ये 7th क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।